इस लेक्चर में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताएंगे, लेकिन एक डाउट पिछले लेक्चर में जब इन्फिनिटिव में पढ़ा रहा था तो एक डाउट क्रिएट हुआ है। ऑडियंस ने कहने का तात्पर्य जो पैसिव वॉइस देखे पढ़े समझे उनका डाउट है, वो वाक्य था आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक ऑडियंस रिस्पेक्ट मी। थोड़ा समझने पैसिव वॉइस में या किसी भी वाक्य में थोड़ा समझने की बात होती है कि इस तरह से हम समझें आई लाइक ऑडियंस, ऑडियंस में श्रोता, टू रिस्पेक्ट मी मुझे सम्मानित करें। तो यहाँ ऑडियंस सार्वभौम के रूप में आया है, इसलिए यहाँ ऑडियंस पैसिव वॉइस में लिखा नहीं जाएगा और मी आई का ही ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको भी यहाँ नहीं लिखे। तो इसको मैं पैसिव वॉइस बनाया था आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड किया था, टू बी रिस्पेक्टेड किया था, ऑडियंस और मी हटा दिया गया था। मी इसलिए हटाया गया क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट है, ऑडियंस सार्वभौम के लिए आया इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया। ये इसका जो डाउट था उसको मैंने समाप्त किया। अब इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस इसको मैंने आपको टेंस में भी बताया है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है और इंपरेटिव सेंटेंस का तात्पर्य क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस समझ कैसे सकते हैं, आइए देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य है। आज्ञा सूचक वाक्य है क्या चीज, इसको हम कई बार बता चुके हैं पीछे लेक्चर्स में, लेकिन एक बार फिर यहाँ सुनते हैं। जिस वाक्य से ध्यान दें, जिस वाक्य से विनती प्रार्थना परामर्श अनुनय विनय आदेश आदि प्रकट होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस की विशेषता होती है कि यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है, इसमें कर्ता जो छिपा रहता है। फिर से सुने, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है और इसमें कर्ता जो छिपा रहता है। यदि कहीं कर्ता लिखना होता है तो यू ही लिखते हैं। और इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस का, हम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है यदि आप लेक्चर को सावधानी पूर्वक देखेंगे, ध्यान उस पर देंगे तो निश्चित तौर से ये आप समझेंगे, मेरा विश्वास है और आपका विश्वास भी इसमें होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर यही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। इसमें ये कंफ्यूजन है कुछ विद्वान, चूंकि कर्ता जो छिपा रहता है इसलिए उसको छिपा कर ही रखें, अथवा उजागर हमें करना है तो बाई यू लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि लिखा जाए, कुछ विद्वान कहते हैं जब कर्ता एक्टिव वॉइस में छिपा हुआ है तो पैसिव वॉइस में लिखने की आवश्यकता क्या है, लेकिन स्ट्रक्चर यही है। एक चीज और यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे जो एरर फंडिंग में है, करेक्शन में है, लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, इसलिए लिट के बाद सदैव ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा जाता है। किसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और पैसिव वॉइस कहने का तात्पर्य एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसमें आपको ये समझना होगा
अभी अभी मैंने बताया कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है, ओपन खोलना होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है दी डोर। क्या खोले, क्या किसको किसकी लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है, दरवाजा खोले। तो इस तरह से ये क्रिया हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसको इसी स्ट्रक्चर पर सामान्य रूप से इसी तरह से लिख दिया जाएगा, लेट द डोर बी ओपन बाई, यू लिखें अथवा न लिखें वो आपके ऊपर है। दूसरा उदाहरण, टेल हिम टू वेट। टेल हिम टू वेट। अब यहां कुछ डाउट क्रिएट हो सकता है, यहां टू वेट ये इंफिनिटिव बना है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर इसी को लिया जाता है और टू वेट उसी तरह से रख दिया जाएगा। इसका जो पैसिव वॉइस होगा, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट होगा, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। इसी तरह से इसमें और शब्द भी आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग ए बॉटल ऑफ मिल्क, ब्रिंग ब्रिंग ए बॉटल ऑफ मिल्क। Bring a bottle of milk. अब यहां आप देखें, a bottle of milk इतना पूरा का पूरा क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है, तो इसको भी इसी तरह से हम रख देंगे, let a bottle of milk bottle of milk be brought। एक बार मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं कि आप बायू लिखें या न लिखें, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि बायू लिखा गया कि नहीं लिखा गया, क्योंकि कर्ता यू छिपा रहता है, इसलिए बायू छिपा सकते हैं। अगली चीज जो है, एक उदाहरण और देते हैं, डू इट एट वंस। डू इट एट वंस, डू इट एट वंस। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, डू यहां लगा है लेकिन डू करने के सेंस में लगा है, इसलिए लेट इट बी डन एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। लेट इट बी डन एट वंस। इस तरह से आपका ये क्या कहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का उदाहरण इस तरह से है। अब इसमें निगेटिव भी आता है, तो निगेटिव जो आता है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, केवल नॉट लगा दिया जाता है, और जो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है वह यही होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। इसका जो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यही हम नॉट प्लस बी लिख देते हैं, नॉट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड पार्ट, ये स्ट्रक्चर बनता है। तो फॉर एग्जांपल डोंट इंसल्ट द पुअर,
डोंट इंसल्ट द पुअर, अब यही क्रम हम लेते हैं, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ये हुआ बाई यू भी बता रहे हैं, बाई यू लिख भी सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं। अगला है डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, और फिर यही वाक्य रचना ऊपर की वाक्य रचना इसको प्रयोग में लाएंगे, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड इन द क्लास, लेट नॉट बी इन द क्लास, इस तरह से ये इंपरेटिव का निगेटिव बनेगा। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, डोंट अब्यूज हिम, लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड, लेट हिम नॉट, लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड। इसके बाद हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का ही है, यदि किसी वाक्य में सर मैडम काइंडली प्लीज, फिर से सुने, यदि किसी वाक्य में सर मैडम काइंडली प्लीज, यदि वाक्य में सर मैडम काइंडली प्लीज, ये चार वाक्य ये निवेदन सूचक हैं, इसमें रिक्वेस्ट प्रकट होता है। यदि पैसिव वॉइस ऐसे वाक्य का बनाना है जिस वाक्य में सर मैडम काइंडली प्लीज होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सर मैडम काइंडली प्लीज को हटा देते हैं और इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष वाक्य जो कत्यो लिख दिया जाता है। फिर से सुने, यदि वाक्य में सर मैडम काइंडली प्लीज आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को सर मैडम काइंडली प्लीज इनको हटा देते हैं और इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर मार्क मी प्रेजेंट, जैसे ये है सर मार्क मी प्रेजेंट, तो मार्क मी प्रेजेंट मुझे उपस्थित अंकित करें, तो इस तरह से वाक्य ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय हम सर को हटा दिए, अथवा प्लीज मार्क मी प्रेजेंट ये भी आ सकता है, मैडम मार्क मी प्रेजेंट ये भी आ सकता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ऐसे वाक्य का तो इन जो निवेदन सूचक शब्द हैं इनको हटा देते, इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, इन्हीं के स्थान पर चारों में कोई शब्द है तो इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शेष वाक्य मार्क मी प्रेजेंट। You are requested to mark me present, ये हो जाएगा। एक उदाहरण हम देते हैं, kindly help me, kindly help me,
फिर यही ऊपर का उदाहरण इसमें रखा जाएगा, काइंडली को हटा देंगे और इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये ध्यान रखें, सदैव ध्यान रखें। ये यदि सर मैडम काइंडली प्लीज वाला वाक्य है तो सर मैडम काइंडली प्लीज को हटा देते हैं, इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख कर शेष वाक्य जो पत्ते लिख दिया जाता है। ये उसका उदाहरण है। कुछ इसमें इंट्रांसिटिव भी आते हैं, यदि इंट्रांसिटिव आता है सर मैडम काइंडली प्लीज आता है तो उसको हटा करके यही नियम कहने मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिखते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस रहा, इम्परेटिव का निगेटिव बताएं और सर मैडम काइंडली प्लीज वाला वाक्य बताएं। अभी इम्परेटिव में कुछ भाव प्रकट होते हैं, जैसे आदेशात्मक भाव होता है या एडवाइस सलाह का भाव होता है तो उसमें यू आर एडवाइज टू लिख देते हैं या यू आर ऑर्डर टू लिख करके शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। उसमें वाक्य से आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है। और इसके अतिरिक्त अभी पैसिव वॉइस में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद बाई जिनके साथ बाई के स्थान पर एट विद इन टू आदि का प्रयोग होता है। हम इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। थैंक्स।